Assalamualaikum, my name is Mohammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Chemistry. Today I will discuss about what is spectrum. Spectrum क्या चीज़ है? Fifth chapter है ये first year chemistry का, तो इसको आज हम discuss करेंगे. But before that, if you don't have subscribed my channel up till now, so kindly do subscribe my channel and like my page. And along with it, I have page of my channel Concept of Chemistry on Facebook and on Instagram, where you can find the complete lectures of chemistry. And you can join these pages by searching Concept of Chemistry on Facebook and Instagram. And along with it, I will give you the links of these pages, of these groups, in the description, from where you can join the pages, the groups, with just one click. What will be the benefit of that? The benefit will be that you can avail the all lectures and complete lectures of FSC chemistry. So come to the lecture. Spectrum क्या है? इसको मैंने एक वर्ड से क्या कहते हैं रिजेंबल किया है, मुशाबत दी है. वो क्या वर्ड है? एक जेल सात कैदी. मतलब क्या है? वाइट कलर की लाइट होती है और उसमें सात कलर्स होते हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते. इस तरह वाइट लाइट है, ये जो सनलाइट आती है इसमें सात कलर होते हैं. तो उसका मैंने इसके साथ रिजेंबल किया, एक जेल सात कैदी. और जब इन सात कैदियों को कहीं से निकलने का मौका मिलता है ना, तो वहाँ से ये लैदा लैदा हो जाते हैं. तो उस वक्त हमारे पास आता है स्पेक्ट्रम. तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं जिससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा. विजुअल डिस्प्ले आर डिस्पर्शन. डिस्पर्शन कहते हैं टूटने को. विजुअल डिस्प्ले आर डिस्पर्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट व्हेन इट इज पास थ्रू ए प्रिज्म. प्रिज्म एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब शफाफ शीशा होता है. जब उसमें से आप वाइट लाइट को पास करते हैं, वो वाइट लाइट सात कलर्स में डिवाइड हो जाती है, मतलब उसकी डिस्पर्शन हो जाती है, फिर हमें वो कलर्स नज़र आते हैं, उसे कहते हैं स्पेक्ट्रम. इधर तक क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं. व्हेन वाइट लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू प्रिज्म देन इट विल अंडरगो द डिस्पर्शन. एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ फोटोन. अब कोई सोचता है कि वाइट लाइट को जब मैं प्रिज्म में से पास करता हूँ तो वो डिवाइड क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें जो सात कैदी है ना, उन हर एक की उस प्रिज्म में से गुजरने की कैपेसिटी मुख्तलिफ है. कोई जल्दी ही गुजर जाता है, कोई देर को जाकर मुड़ता है, कोई उससे देर को जाकर मुड़ता है. तो वो डिपेंड किस पे करता है? उनकी वेवलेंथ पे. क्योंकि जो वाइट लाइट है ना, उसमें सात कलर होते हैं, उनको विब गॉयर भी कहते हैं. विब गॉयर, उसमें ब्लू भी है, रेड भी है, ग्रीन भी है. अब चूँकि इन तमाम कलर्स की जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट होती है, तो इसलिए डिफरेंट वेवलेंथ होने की वजह से जब वो प्रिज्म में से पास करते हैं तो मुख्तलिफ एंगल पर डिफ्रैक्ट होते हैं. ठीक है, तो इसलिए वो कह रहा है एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ फोटोन. ये उनकी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है. अगर वेवलेंथ ज़्यादा तो डिफ्लेक्शन कम, अगर वेवलेंथ कम डिफ्लेक्शन ज़्यादा. तो इनके दरमियान इन्वर्सली रिलेशन होता है. इधर तक क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं. द रेडिएशन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ इज बेंड टू स्मॉलर एंगल एंड वाइस. जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया है कि वेवलेंथ और बेंडिंग जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होंगे. ये रिलेशन होता है, ये डिफ्लेक्शन है, ये बेंडिंग है, और वेवलेंथ चूंकि आप देख रहे हैं सी ओवर लैम्डा है, मतलब क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शन है. तो ये रिलेशन आप मतलब मेंशन कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में. अगर आप क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आप राइट डाउन कर सकते हैं. नेक्स्ट चलते हैं. सो वाइट लाइट विल बी स्प्लिटेड अप इनटू डिफरेंट वेवलेंथ. तो इसलिए वो डिफरेंट क्या कहते हैं, बेंडिंग शो करती है वाइट लाइट जब डिस्पर्शन होती है. स्पेक्ट्रम रीजन. स्पेक्ट्रम रीजन कौन कौन से हैं? ये आपकी बुक में भी मेंशन है चैप्टर फाइव में, वो आपसे मैं शेयर करता हूँ. ये रीजन है स्पेक्ट्रम रीजन. ये आपके पास मेनली ये रीजन होता है आपके पास. अब इसके अंदर थ्री रीजन होते हैं. थ्री रीजन कैसे होते हैं? ये जो सेंटर में रीजन है ना, ये जिसको मैंने ये लाइन शो करवाया है, ठीक है, इनको फिर एक्सपेंड करके नीचे शो करवाया गया, ये है विजिबल रीजन. विजिबल जैसा कि नाम से शोर है, विजिबल जो देखा जा सकेगा. इसकी जो वेवलेंथ होती है 400 to 800 न्यूटन मीटर होती है. ठीक है, इसके राइट पर ना हायर वेवलेंथ वाले होते हैं रीजन. ये इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स. हायर वेवलेंथ मतलब के उनकी एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है. लोअर वेवलेंथ इधर होते हैं लेफ्ट पर, गामा रेज, एक्स रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज. तो कैसे रीजन बनाए हैं? लोअर वेवलेंथ, मीडियम में हमारा विजिबल रीजन, और उसके नेक्स्ट क्या है? हायर वेवलेंथ वाले. ठीक है, तो ये है स्पेक्ट्रम रीजन. नेक्स्ट है विब गॉयर. कलर्स इनविजिबल स्पेक्ट्रम. उनको एक वर्ड से याद किया जाता है जिसे कहते हैं विब गॉयर. वो कैसे? वी इज अ वायलेट,
आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज एंड आर से रेड। तो इनको मिलाकर पहला पहला वर्ड क्या है जी? विबगोयर। तो ये वाइट जो लाइट होती है वो इन तमाम कलर्स पर मुश्तमिल होती है। इट हैज़ द वेवलेंथ ऑफ अप टू 400 टू 750 और 700 न्यूटन मीटर, ये उसकी वेवलेंथ होती है। एक्सेप्ट विजिबल रीजन, देर आर अदर लोअर वेवलेंथ एंड हायर एनर्जी रीजन। अब आपने देखा है स्पेक्ट्रम रीजन में के विजिबल रीजन के अलावा इधर हायर वेवलेंथ वाले हैं और इधर लोअर वेवलेंथ वाले हैं। हमने रिलेशन भी देखा है कि एनर्जी जो है वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, पहले मैं आपको बताया वो बाई मिस्टेक मैं गलत बता गया हूँ। वेवलेंथ ज़्यादा एनर्जी कम, वेवलेंथ कम एनर्जी ज़्यादा, ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, ये रिलेशन है वेवलेंथ और एनर्जी का। ठीक है, बेंडिंग और वेवलेंथ क्या रिलेशन है? एन इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन ही आपको याद होने चाहिए। आगे जो रीजन्स हैं मतलब विजिबल के राइट और लेफ्ट में कौन कौन से, उनमें अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज है, गैमा रेज है, कॉस्मिक रेज है। ठीक है, ये है स्पेक्ट्रम की डायग्राम। वाइट लाइट आई, इधर आपने प्रिज्म रखा लेकिन एक स्पेसिफिक एंगल पर आपने उसको फॉल करवाना होता है। वो फॉल करवाया तो फिर क्या है, इसमें चूंकि एक जेल साथ कहती हैं तो वो जब इसमें से गुजरेंगे तो डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से डिफरेंट एंगल पर क्या है, बेंड होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह क्या है, बेंडिंग होती है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो कम एंगल पर डिफ्लेक्ट होगा और जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट होगा। तो ये इस बेस पर क्या है, डिफ्लेक्शन हो गया। तो इस तरह ये क्या है, स्पेक्ट्रम का मैकेनिज्म होता है कि वाइट लाइट को वो सात कलर में डिवाइड कर दिया। अब आपने एक मैकेनिज्म, एक जो सिनेरियो है इसका, इसका एग्जाम्पल आपने अपनी डेली लाइफ में भी देखी होगी और लाजमन देखी होगी। डू यू नो, ये वाली रेनबो। रेनबो क्या होती है? रेनबो मौसम होता है उस वक्त जब मतलब बारिश होती है ना, उस वक्त आपको दिखाई देती है। उस वक्त ही क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उस वक्त जब बारिश हो रही होती है ना, बारिश का जो कतरा होता है वो एज ए प्रिज्म एक्ट कर रहा होता है। सूरज हमारे पीछे होता है, पीछे से लाइट आती है। लेफ्ट पोजिटर आपके पास क्या है, वो बारिश का कतरा है, वो इसमें से पास करती है। तो सेम उसी तरह जिस तरह ये फिनोमेना होता है, व्हाइट लाइट उस बारिश की कतरे से पास करती है और सात कलर्स में डिवाइड हो जाती है। और हम लेफ्ट पोजिटर खड़े हैं तो हमें वो सात कलर्स क्या है, विजिबल रीजन में होने की वजह से हमें दिखाई दे रहे होते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, रेनबो। तो इस तरह क्या है, रेनबो फॉर्म्ड होती है। तो ये आज का टॉपिक था जी, स्पेक्ट्रम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 5। इफ़ यू डोंट हैव सब्सक्राइब माई चैनल अप टिल नाउ, सो काइंडली डू सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू हैव समथिंग गुड क्वेश्चन टू शेयर विद मी, देन डू शेयर इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।